अच्छा यार, मैं भी कर रहा हूँ इंतजार, और मैं एक बहुत स्पेशल चीज का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि जब से मुझे पता चला ना, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ कि मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी जो यूट्यूबिंग और मेरी ये जो मामला, उसके मामला जो है वो पूरे हो गए। मतलब वो उसका जो है ना मकसद जो है वो पूरा हो रहा है। कॉल आ रही है मुझे, इसका मैं इंतजार कर रहा हूँ उसी की, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। अच्छा भाई, वो बंदा आ गया फाइनली, जिसका मैं वेट कर रहा था काफ़ी देर से और बड़ी शिद्दत से। यहाँ से आएगा अभी और मैं जाके उससे लेके आता हूँ जो सामान मुझे देना उसने, और उसके बाद फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ कि स्टोरी क्या है और क्यों ये मैंने सारा मामला यहाँ से किया है। अच्छा भाई, अच्छा, टैक्सी के पास है और ये गाड़ी नज़र आ रही है आपको, पेट्रोल इसमें है, मैं जाता हूँ अभी। हाँ जी, वो गाड़ी है सामने, पेट्रोल निशान, और ये पेपर मुझे उसने दिए बंदे ने। इस पेपर में क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ सारा मामला। इसके अंदर है जी एक अदद एनओसी और एक अदद इसके अंदर है बांग्लादेशी पासपोर्ट। ये बांग्लादेश का पासपोर्ट है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, पाकिस्तान का नहीं, बांग्लादेश का पासपोर्ट है देखो, और एक पताका है बंदे का। अब इसकी मैं स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ, जो मैं मुझे मजबूर किया जिसने यहाँ पर आने और ये रिसीव करने के लिए। अब इस पासपोर्ट की मैं आपको सुनाता हूँ स्टोरी। इस पासपोर्ट की स्टोरी ये है कि दंक एक जगह है सल्तनत ऑफ ओमान में, वहाँ पर एक बांग्लादेशी भाई रहता है, बांग्लादेश का पासपोर्ट है ये, और वो पिछले कोई 6 से 7 साल से मुसलसल कोशिश कर रहा था कि वो उमरे पर चला जाए, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली उसने मेरी एक वीडियो देखी और उस वीडियो से उसने निकाला वलीद भाई का ये नंबर कि ये लोग उमरा की काम करते हैं, और उसने किया राबता, जो वलीद भाई के बंदे जो नंबर मैं देता हूँ उसके अंदर वीडियो के अंदर, उस पर राबता किया। अच्छा, उससे राबता करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है यार, हम करवा देंगे, आपका कोई मसला नहीं है, बांग्लादेश वालों का भी हम करवा। अब उसको ये टेंशन थी यार कौन लेके जाएगा, तो ये अल्लाह का बंदा जो ओमानी है, ये वलीद भाई ने मुझे कॉल किया यार ये बंदा कहीं पीछे से आ रहा है और आपके घर के पास से ये गुजरेगा, आप मेहरबानी करो, मैं थोड़ा निकला हूँ बाहर, आप ये पासपोर्ट ले लो। तो मैंने उससे ये भी पासपोर्ट लिया, और उसने जब मुझे स्टोरी सुनाई ना, तो मेरा दिल किया स्टोरी मैं आपसे शेयर करूं। और मैं आपको बताऊं, जब आप में लगन होती है ना, जब आप में एक चीज़ की चाहत होती है, तो खुदा आपको कैसे मिला देता है। मतलब मुझे आज अपने इस यूट्यूबिंग करने पे, अपने इस सोशल मीडिया करने पे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आज हो रही है कि किस तरह इस उमानी ने मुझे बताया कि यार पिछले 7 से 8 साल से ये बंदा मुसलसल कोशिश कर रहा है, इसका बहुत दिल है कि काबुद्दुल्ला शरीफ की ज़्यारत करे, लेकिन nobody help him, nobody is helping him at all। इसको पता नहीं कहाँ से, अच्छा उसको उमानी, वो उमानी मुझे नहीं जानता था, तो उसने कहा यार पता नहीं इसको कहाँ से आपका नंबर मिला, और उसने जो है वो राबता किया, और अब ये 14 तारीख को जो है ना चला जाएगा यहाँ से। तो कहने का मकसद ये है कि बंदा 8 साल से मुसलसल मतलब कोशिश कर रहा था, दंग कहाँ है, दंग पीछे उधर उधर से, लेकिन कोई सबील नहीं बन रही थी, अब अल्लाह पाक ने इसकी सबील बना दी। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, मतलब आज मेरा जो मकसद था ना सोशल मीडिया और इसको करने का, वो मुझे लग रहा है ऐसे कि पूरा हो गया, कि अल्लाह ताला का जब ये घर देखेगा, और मैं इससे दुआ ज़रूर करूँगा कि यार मेरी दुआ, मेरे लिए दुआ ज़रूर करना है जब भी ये जाएगा इंशाल्लाह 14 तारीख को, और तमाम लोगों के लिए जो परेशान है उनके लिए दुआ ज़रूर करना है कि अल्लाह ताला सबको ये घर दिखाए, और जो जो लोग भी ये मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो मैं तो बड़ा टच हूँ आज, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकता आपको कितनी खुशी हो रही है कि एक ऐसा बंदा जो पिछले कई साल से कोशिश कर रहा था लेकिन सबील नहीं बन रही थी, अल्लाह पाक ने उसकी सबील आज बना दी। उसका बताका भी मेरे पास है, NOC लेटर भी है, पूरा सब कुछ उसने दिया है बंदे ने देने के लिए, मैं दूंगा वलीद भाई को, और ये उसका प्रोसेस करेंगे इंशाल्लाह। तो बस जब आप किसी चीज़ को पाने की चाहत करते ना, तो देर सवेर, लेकिन अल्लाह पाक आपकी कोशिश आपकी चाहत को रायगा नहीं करते, ये मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया। अल्लाह कबूल फरमाए इसका भी और हमारा भी और सबका, जो जो जाना चाहते हैं अल्लाह सबको लेके जाए, बैतुल्लाह की ज्यारत कराए, रोज़ा रसूल की ज्यारत कराए, और वहाँ पे ढेरों ढेरों खुशियाँ नसीब अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।